नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टोरीज के एक और नए वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना उर्फ काका के बारे में। राजेश खन्ना बॉलीवुड अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। उन्होंने 1965 में ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता था। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म 1966 में आई हुई फिल्म आखिरी खत थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान 180 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना को 3 बार फिल्मफेयर अवार्ड और 4 बार बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड मिले थे। राजेश खन्ना को 2005 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड तथा 2013 में मरणोपरांत पद्मभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। राजेश खन्ना का जन्म 29 जनवरी 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनका वास्तविक नाम जतिन था। जन्म देने वाले माता पिता का नाम हीरानंद तथा चंद्ररानी खन्ना था। उन्हें गोद लेने वाले माता पिता का नाम चुन्नीलाल खन्ना तथा लीलावती खन्ना था। राजेश खन्ना ने मुंबई में गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उनके क्लास फेलो रवि कपूर थे, जो आगे चलकर हिंदी फिल्मों में जितेंद्र के नाम से मशहूर हुए। राजेश खन्ना को शिक्षा के साथ साथ नाटकों में अभिनय करना भी पसंद था। कॉलेज के समय पर नाटकों में अभिनय उन्होंने किया था तथा कई पुरस्कार भी जीते। राजेश खन्ना ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 में आई हुई फिल्म आखिरी खत से की थी, जिसे चेतन आनंद ने निर्देशित किया था। दूसरी फिल्म राज थी, जिसे रविंद्र दवे ने निर्देशित किया था। 1969 से 1971 के मध्य में राजेश खन्ना के लगातार 15 हिट फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया था। वे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार रहे। 1991 तक उन्होंने अपने करियर में 180 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। उसके बाद में वे राजनीति में आए और 1991 में नई दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुने गए। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की, लेकिन कुछ फिल्मों में किए गए उनके अभिनय ने फैंस के दिलों पर दशकों तक राज किया। बहारों के सपने, आराधना, दो रास्ते, बंधन, सफ़र, कटी पतंग, आन मिलो सजना, आनंद, सच्चा झूठा, छोटी बहू, दुश्मन, अंदाज, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम, महबूब की मेहंदी, दिल दौलत दुनिया इत्यादि फिल्में लगातार सुपरहिट साबित हुई। इन फिल्मों के अलावा मालिक, शहजादा, बावर्ची, अपना देश, मेरे जीवन साथी, नमक हराम, हम शकल, रोटी, महबूबा, आशिक हूँ बहारों का, आईना, छलिया बाबू, करम, मुकाबला, अमरदीप, प्रेम बंधन, कुदरत, धनवान, जानवर, सौतन जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय से फैंस के दिलों पर उन्होंने राज किया। राजेश खन्ना का विवाह 1973 में बॉलीवुड अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया के साथ हुआ। राजेश की उम्र अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से लगभग दोगुनी थी। उनकी बेटियों के नाम ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना है, जिसमें से ट्विंकल खन्ना की शादी मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार के साथ हुई है। 18 जुलाई 2012 को कैंसर के कारण राजेश खन्ना की मृत्यु हो गई। राजेश खन्ना आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उनकी फिल्में और उनके गानों से वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।